जान ना करिए। अब कैसे समझाओ, इधर सुनिए। अच्छा तो ये बात है, पर आपने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? लेकिन आपने पहले मौका निकाल दिया। माया देवी, अब आप भीतर जाइए। आ रहा हूँ। अरे आप आदमी हैं या कुछ और? आपको आदमी तो दिखाई दे रहा हूँ। आदमी तो आप दिख रहे हैं, पर आदमी का नाम की आप में कमी है, समझे क्या? नहीं, कब से घंटी बजा रहा हूँ कि आप खोते ही नहीं। आप ही आप किससे बात कर रहे थे? किससे बात कर रहा था? अपनी पत्नी से बात कर रहा था। अच्छा, तो आपकी पत्नी भी आ रही है? आपको अच्छा, तो आपकी पत्नी आ रही है? मुझे तो मुझे कुछ और शक हो रहा है। हाँ अच्छा, तो आपकी पत्नी आ गई है? मुझे तो कुछ और ही शक हो रहा था। इतनी हल्ला कैसा हो? अगर ये हल्ला कैसा हो बाहर, ये हल्ला कैसा हो रहा था? कुछ खास नहीं, मेरी पत्नी ऑटो रिक्शा वाले से उलझ गई थी। ये हराम जागे ऑटो वाले। हाँ, बड़े हराम जादे होते हैं ऑटो वाले। बड़े हराम जादे होते हैं ये ऑटो वाले। अच्छा, तो आपकी पत्नी आ गई? आपकी पत्नी तो बिल्कुल डॉक्टर हो रही है। पोखर जी, अरे जमाना भी तो उसी का है। अच्छा हुआ वो आ गए। कल से 500 किराया दीजिएगा। हुआ क्यों पोखर जी? क्योंकि अभी तक आप अकेले इस मकान को यूज करते थे, पर कल से दो लोग यूज करेंगे, इसलिए 500 रुपए और दीजिएगा, समझे कि नहीं? मैं अब बहू को देखना चाहता हूँ। पर क्यों? क्यों देखना चाहता हूँ तो देखना चाहता हूँ, बुलाओ उसे, मैं देखूंगा। अरे कल सवेरे देख लीजिएगा ना। कल सवेरे क्यों, मैं अभी देखूंगा। बहू, ओ बहू, अरे बहू जी, बहुरानी, अरे आप चुप रहिए। बहुरानी बिटिया, धन्यवाद जी, बेचारे थक गई होगी, अरे कुछ आराम तो कर लेने दीजिए। अरे बिटिया, मैं तुम्हारे बाप जैसा हूँ बिटिया। अरे धन्यवाद जी, तुम चुप रहो, शर्माओ नहीं माया। आओ आओ, ये हमारे मकान मालिक पोखर जी। और बिटिया कैसी हो? घर पे तो सब ठीक? अष्टपुत्र भव। नहीं पास आओगी? पैर भी तो छू लो। आओ माया देवी, घबराओ नहीं, ये हमारे मकान मालिक पोखर जी।